हैदराबाद के इलाके शेरिश नगर का रिहायशी 27 साला अमजद अली को पागल कुत्ते ने काट लिया। मजीद जानते हैं हमारे हैदराबाद पाक न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली रिम से। जी मोहम्मद अली, क्या अपडेट है? जी, शेरिश नगर का रिहायशी है अमजद अली, जिनके वालिद का नाम कमरदीन है। इनकी उम्र लगभग 27 साल है। आज सुबह ये सिटी स्कूल के करीब पागल कुत्तों की काटने से ज़ख्मी हो गए हैं, जिनको मकामी अस्पताल तालका कासमाबाद हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पर इस बच्चे को जो मस्कुरा वैक्सीन थी, वो वैक्सीन बहुत मुश्किल से मिली। बताया जा रहा था कि वैक्सीन जो है वो नापेद है हमारे हॉस्पिटल में। इस वक्त जो सूरत हाल है तालका अस्पताल की, वो ना सिर्फ डॉग बाइट की जो वैक्सीन है या टीके हैं, वो तो मुश्किल ही कभी मिल पाती है, लेकिन यहाँ पर जो एक पैरास्टामोल गोली है वो भी लगभग बाहर से लिख कर दी जाती है कि आप ये अद्वियात जो हैं मरीज़ के लिए बाहर से लेके आएँ। इलाका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर मौजूदा सिटिंग इरिगेशन मिनिस्टर जाम खान शोरो का इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर उनके वोटर हैं। उनके छोटे भाई जाम काशिफ शोरो, जो तालका कासमाबाद के चेयरमैन रहे हैं, उसके बावजूद इनके वोटर्स की जो हालत ज़ार है वो किसी अफसोस से कम नहीं। मैं नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि अमजद को जो पागल कुत्ते ने काटा है, ये फ़कत एक इस वक्त तो केस यकीनन जाहिर हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन पागल कुत्तों की जो यलगार चल पड़ी है, ये पूरे कासमाबाद में पागल कुत्तों की शिकायतें मौसूल हुई हैं हमें अपने चैनल के तवसत से। मगर अफसोस इस बात का है कि इंतज़ामिया की आंखें और कान बंद हैं। इस वक्त तक इंतज़ामिया ने कुछ भी मेजरमेंट नहीं लिए हैं। जी, अपडेट करने का शुक्रिया मोहम्मद अली।